Oh, listen. Listen, I'm so sorry. मुझे please उसे फिर sorry मैं please don't just leave. देखिए मैं आपकी help कर देता हूँ please आप but listen you need यहाँ से जाओ. हमारे घर के सामने अगर किसी भी लड़की के साथ छिछोरा गर्दी की ना तो शिप्रा वाला धोबी घाट है ना वहां पे ऐसा होका होका के पटकेंगे ना कि तुम्हारी अंतरात्मा तक धुल जाएगी. जे उज्जैन है, यहाँ कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझे? लिसन, जस्ट बिकॉज मैं एक लड़का हूँ आप मुझे जज कर रहे हैं और मैं आपकी एज की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा और मैं लोगों से बदतमीजी नहीं करता स्पेशली बुड्ढों से. इसीलिए बीच बाजार में आप मुझे कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते. एक मिनट, तूने मुझे बुड्ढी कहा? हम्म, बुड्ढी कहा तूने मुझे? अभी रुक, अब अभी रुक तू. अभी बताते हैं बुड्ढी होगी तेरी माँ, तेरी दादी. सर के बाल से पैर के नख तक कोई भी बीमारी नहीं है, समझा? यस यस. न पीपी, न शुगर, नजर गिद्ध की फुर्ती चीते की और पेट हुआ दबा देना तो छुड़ा नहीं पाओगे, समझे? निकलो. ओके ओके. शतुरमुर्ग की औलाद. चलो अंदर. पापा, आपने खीर की कटोरी क्यों फेंक दी? आप खुद ही कहते हैं ना कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए. ये अच्छी बात नहीं होती है पापा. अक्षय, सामान कहाँ रखना है ये तो बता दो. मेरे सिर पे रख दीजिए. इस घर में ले दे के सिर्फ पांच ही कमरे हैं. एक जानकी माँ बड़े पापा का, एक पापा और गोलू का, एक मिली का और एक मेरा ज्योति का. बचा सिर्फ एक मेहमानों का कमरा. अब उस एक कमरे में मैं किसके किसके सामान रखूं? और वैसे भी जब लोग बड़े हो जाते हैं तो घर छोटा पड़ जाता है. जब यहां रहने के लिए जगह ही नहीं है तो कहां रहेंगे हम? सुराब, बस एक महीने की बात है मिन्नी की शादी तक. बस यहीं ठस जाएंगे कहीं. मैं गेस्ट रूम में देखता हूं, जगह बनाता हूं. जगह बनाने जा रहा है या फिर सबसे पहले रुमाल रख के जगह घेरने जा रहा है? इतने साल हो गए मनोज लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला. अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता. बिचू क्या बोल रहे तू? क्यों, क्या गलत काम है ने? अपनी उस खूबसूरत बला के लिए कमरा घेरने जा रहा है ना, इसका मतलब वो भी आई है यहां तेरे साथ, जिसके पीछे पीछे अपना मतलब पूरा करने तू ये घर छोड़ के गया था. तूने अपनी मर्जी से शादी की क्योंकि तुझे इन घर वालों की, उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी. लेकिन तुझे पता भी है कि तू जब अपनी शादी वाले दिन ये घर छोड़ के गया था, उस खूबसूरत बला से शादी करने, तब हम पे क्या बीती थी, हमारी कितनी बेइज्जती हुई, क्या क्या सुनना पड़ा हमें, जानता है तू ये बात? लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है?
हमें इतना सा भी अंदाजा होता ना कि मनोज ये शादी तोड़कर चला जाएगा तो हम आपकी बिटिया का रिश्ता मनोज से नहीं करते। आपको सुनाई भी दे रहा है, क्या कह रही हैं आप? अरे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, नाते रिश्तेदार आ गए हैं, आज शादी है, और ऐसे कैसे मनोज अपनी मर्जी से किसी और के साथ चला गया? हम सिर्फ माफी मांग सकते हैं। मनोज सिर्फ रिश्ता तोड़ के नहीं, हमारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा के गया। इज्जत तो अब जाएगी, और सिर्फ हमारी नहीं, इज्जत तो आपके पूरे परिवार की भी चिथड़े चिथड़े होगी। अब टूटा है तो एक रिश्ता नहीं, अब सारे रिश्ते टूटेंगे। तेरा मतलब था तो पूरे घर की इज्जत दांव पे लगा के पीठ दिखा के तू चला गया। और आज मुंह उठा के वापस आ भी गया। अरे कोई इतना ढीठ, इतना बदतमीज, इतना बेशरम कैसे हो सकता है? बदतमीज होते तो पलट के जवाब दे रहे होते। चुपचाप सुन नहीं रहे होते। चौबीस साल पहले जब मनोज घर छोड़कर गए थे तब भी आपने सपोर्ट नहीं किया था, जबरदस्ती फिक्स करवा दी थी इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ। तभी बहुत सुनाया था आप लोगों ने, तब मैं छुप रही थी। लेकिन अगर आज आप फिर से इन्हें सुनाएंगे तो सॉरी, मैं छुप नहीं रहूंगी। अजंता प्लीज तुम तो चुप हो जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? मनोज अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, बचपन में जानकी माँ के पीछे छिप जाता था और अब अपनी वाइफ को आगे कर रहा है। हाँ तो हस्बैंड है ये मेरे, अगर इन पे कोई फालतू इल्जाम लगाएगा या ब्लेम करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तो बोलूंगी भी और लड़ूंगी भी, अगर प्रॉब्लम है तो डील विद इट। मेरी वाइफ भी यहाँ मौजूद है लेकिन वो तो हमारे बीच में नहीं बोल रही है ना। शायद आप इन्हें बोलने का मौका देते ही नहीं होंगे, पर मेरे और मनोज के बीच का रिश्ता ऐसा नहीं है। अजंता प्लीज। एक मिनट, ये क्या बात हुई कि ये मुझे बोलने नहीं देते? What do you mean? बोलना हमें भी आता है लेकिन हमारी जबान तुम्हारी तरह लंबी नहीं, बड़ों का लिहाज है हमें। तुम शांत रहो। ये पुलिस, अरे जिस लड़की की वजह से इस घर के सारे रिश्ते खत्म हो गए अब वो हमें सिखाएगी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। बिजू क्या हो गया तुझे, कम से कम तू तो शांत रहे। आप कोई जज तो है नहीं जो डिसाइड करेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी थी या किसकी नहीं थी। अब बोल तो आप ऐसे रहे जैसे आप कभी घर छोड़ के गए ही नहीं। मनोज अजंता को समझा कि शांत रहे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते। हाँ? मैंने क्या किया, क्यों किया, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो किसी और पे भी कमेंट मत कीजिए ना। अरे आप लोग के यहाँ कलेश मचाने आए हो। इसी का डर था और तेरे नरक मचा दिया सबने। तुझे हमारे पति को छोटी उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी कि ये परिवार फिर से जुड़ सकता है। उम्र के इस पड़ाव में सिर्फ उम्मीद नहीं टूटती है, इंसान भी टूट जाता है। इन्हें इनकी सारी जिंदगी, सोच समझ तजुर्बा सब बेमानी लगेंगे। और इसकी जिम्मेदार
सिर्फ तू होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.